हेलो टू एवरीवन। सो आज जो है हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज है उसके अंदर हम लोग एक नया सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के एनडीए के पीवाईक्यूज हैं उनको एनालिसिस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप अभिपीडिया डिफेंस के साथ तैयारी कर सकते हैं अपने एनडीए सीडीए सीएपीएफ एफकैट के लिए, और ये नंबर है जिसमें आप कॉल करके अपनी जो भी डाउट्स हैं क्वेश्चंस हैं यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर वन, और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड इज कैरेक्टराइज बाय कंटिन्यूअस प्रिसिपिटेशन। मतलब कंटिन्यूअस प्रिसिपिटेशन वाला जो क्लाउड है टाइप है वो कौन सा है? इज इट सिरो क्यूमुलस, क्यूमुलस या निम्बोस्ट्रेटस या क्यूमलो निम्बस, है ना? तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये जो टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं और उनका जो फीचर होता है, एक दो फीचर्स जो हैं इन क्लाउड्स के हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली एग्जाम में देखा जाता है इस तरीके का कि सिरो क्यूमुलस है, क्यूमुलस का फीचर क्या होता है, कौन से क्लाउड्स होते हैं जो कॉटन वूल टाइप होते हैं, है ना, कॉटन शेप्ड होते हैं, कौन से होते हैं जो थिन होते हैं, कौन से होते हैं जो बहुत ही हाई क्लाउड होते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि जहां पे कंटिन्यूअस रेनफॉल चलती रहती है, तो इसमें आ गया निम्बोस्ट्रेटस। निम्बोस्ट्रेटस, निम्बो का मतलब होता है, निम्बो का मतलब होता है ये है कि कंटिन्यूस प्रिसिपिटेशन होती रहती है, ठीक है। और ये जो है रेनफॉल वाले क्लाउड्स होते हैं, काफ़ी रेनफॉल होती रहती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे जो क्लाउड्स हैं जिसमें सिरस क्यूमुलस की बात करें, सिरस क्यूमुलस में बात करें, तो सिरस का मतलब ही हमारा यहाँ पे होता है हाई क्लाउड। जहाँ पर भी आपको सिरस मिल जाता है वहाँ पे आपको हाई क्लाउड की कैटेगरी उसके अंदर आती है। सो इसमें हाई क्लाउड है, लगभग 18,000 से 12,000 मीटर के हाइट में ये क्लाउड्स हमें मिलते हैं। और इन क्लाउड्स में अगर देखा जाए तो ये थिन क्लाउड्स होते हैं, पतले क्लाउड्स होते हैं। आपने देखा होगा बहुत हाई क्लाउड्स जो है और बहुत पतले क्लाउड्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं, बहुत ही जब क्लियर स्काई होती है उस टाइम पे ये विजिबल होते हैं, और इनका जो है वाइट इन कलर होता है, वाइटिश क्लाउड्स होते हैं, सिरस क्यूमुलस। अब क्यूमुलस की बात करें, अकेला क्यूमुलस जो है इसका जो शेप होता है वो कॉटन की तरह होता है, कॉटन वूल जो होता है उसके शेप की तरह इस तरीके से नीचे जो होता है फ्लैट, इसका जो निचला हिस्सा है इसका सरफेस है वो फ्लैट होता है और कॉटन वूल की तरह ये होते हैं। और इनका जो है अगर हाइट की बात करें तो 4000 से 7000 मीटर के अंदर अंदर होती है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटस क्लाउड्स की बात करते हैं। स्ट्रेटस मतलब लेयर। तो ये क्लाउड्स ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो कि लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं, लेयर्ड लेयर की फॉर्म में होते हैं या स्ट्रेटिफिकेशन होती है इनके बीच में। और इस तरीके से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कौन से होते हैं? ये क्लाउड्स होते हैं जो थंडरस्टॉर्म के साथ एसोसिएटेड होते हैं। थंडरस्टॉर्म, हैवी रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा इन क्लाउड्स के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, निम्बो स्ट्रेटस हमने पढ़ लिया, दीज आर द क्लाउड जहाँ पे कंटिन्यूस रेनफॉल है। जहाँ पर भी निम्बो की बात आ जाती है वहाँ पे रेनफॉल कंटिन्यूस बात होती है। सिरस क्यूमुलस, सिरस मींस हाई क्लाउड्स हो गए, क्यूमुलस का मतलब होता है कॉटन वूल शेप क्लाउड्स होते हैं, और स्ट्रेटस स्ट्रेटा लेयर फॉर्म में क्लाउड्स होते हैं। क्यूमुलोनिम्बस जो होते हैं ये होते हैं जो थंडरस्टॉर्म वाले क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज recorded the negative growth of population as per census 2011। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि CDS, NDS, CAPF कोई भी एग्जाम है वहां पे सेंसस का दो क्वेश्चंस पक्के होते हैं, दो से तीन क्वेश्चंस पक्के होते हैं। जो बच्चा सेंसस करके जाएगा उसके दो तीन क्वेश्चंस जो हैं एक तरीके से हाथ में रख के दिए जा रहे हैं कि आप सॉल्व कीजिए इनको, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसका नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखा गया है। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या है आपका, नागालैंड इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। अब इसमें कितनी नेगेटिव ग्रोथ है, डेकेडल अगर बात करें 10 साल की बात करें ग्रोथ, तो माइनस में ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें यह देखना है कि डेकेडल ग्रोथ ऑफ गोवा देखें तो 8.23 है, माइनस 8.23। त्रिपुरा की बात करें या अरुणाचल की बात करें तो इस तरीके से हमारे पास डेकेडल ग्रोथ का फिगर दे रखा है। दीज आर नॉट इतना इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल डेटा हो जाएगा। आपने याद रखना है कि नागालैंड जो है वो ओनली स्टेट है जिसका नेगेटिव ग्रोथ देखा गया है।
इसके अलावा कुछ और सेंसस से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया बात करें तो 17.64% है, ग्रोथ रेट इंडिया की बात करें 17.64% है एज पर सेंसस 2011। नंबर टू पॉइंट इज सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर देखी गई है तो मेघालय में सबसे ज्यादा देखी गई है। यू डोंट नीड टू लर्न दीज परसेंटेजेस क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यूटीज की बात करें तो दादर नागर हवेली में इतना हमें परसेंटेज देखने को मिलता है। बस इतना याद रखिए मेघालय स्टेट की कैटेगरी के अंदर, यूटी की कैटेगरी के अंदर दादर एंड नागर हवेली में परसेंटेज अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो रिकॉर्ड हुई है। और सेंसस कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये रिकॉर्ड किया जाता है इनके द्वारा जो होम अफेयर्स के अंदर आता है, 10 साल के अंदर होता है। अभी दोबारा से इसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है तो देखेंगे। तो फर्स्ट सेंसस जो है 1951 में कंडक्ट किया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए सेंसस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये डेटा है जो हमने पढ़ा कि इसमें ये पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं, अगले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माजुली इज द रिवर आइलैंड, इट इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, किस रिवर के अंदर ये रिवर आइलैंड जो है ये लोकेटेड है, ठीक है। सो ये आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, माजुली आइलैंड जो है वो एक तरीके से एक इतनी बड़ी रिवर है जो अपने साथ इतना सारा सेडिमेंटेशन लेकर आती है और जहां पर भी वो सेडिमेंटेशन इकट्ठा कर देती है उससे एक तरीके से आइलैंड बन जाता है, है ना, एक आइलैंड बन गया है। और वो बना किस लिए है? बिकॉज ऑफ रिवर। रिवर कौन सी? ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि आपको पता है आसाम जो है वहां पे आपको ये आइलैंड दिखेगा, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड जो है माजुली आइलैंड है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेम्परेचर इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है अबाउट टेम्परेचर इज करेक्ट, ठीक है। देखिए टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है विद द हाइट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर है, देखते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है विद द हाइट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एट डिफरेंट हाइट्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, देखते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेस with the height in the troposphere at an average of 6.5 degree Celsius per kilometer, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखते हैं इसका सही है कि नहीं, इट डिक्रीजेज विद द हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर विद द एवरेज ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। सो आपने याद रखना है, ये बहुत सिंपल चीज है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे विद द असेंडिंग, मतलब जैसे जैसे हम लोग जो है क्लाइंब करते हैं, आप प्लेन एरिया में जैसे माउंटेनियस रीजन में जाएंगे, शिमला की तरफ जाएंगे, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न जगह में जाएंगे, तो वहाँ पे हाइट के साथ साथ आपका टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। तो विद द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, तो डी शुड बी द राइट ऑप्शन, और इसमें आप याद रखिएगा, ठीक है, इट डिक्रीजेस विद द हाइट, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है वो एवरेज जो होता है कि मतलब कितना डिक्रीज होगा, कितने डिग्री का तापमान नीचे गिरेगा, तो 6.4 किलोमीटर जब इंसान ऊपर जाता है तो उसमें उसको देखने को मिलता है, सॉरी हर किलोमीटर में, हर किलोमीटर ऊपर जाएगा, एक किलोमीटर ऊपर जाएगा 6.4 डिग्री एवरेज जो है उसको तापमान कम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिमेंबर वन थिंग, हमेशा याद रखोगे एक चीज कि वाइल्ड लाइफ है या फिर आपका नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये है क्या, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत हॉच पॉच है। बट रिमेंबर इतना आपने याद रखना है कि वो पर्टिकुलर चीज जो है, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ जो भी है, वो लोकेटेड कहाँ पे, कौन सी स्टेट में वो लोकेटेड है, इतने इतने लेवल तक का आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो शिकारी देवी है, सिंपली पाल है, देन भादरा है, पंचमरी है, याद रखिए इसको बताना है साउथ से नॉर्थ, नीचे से ऊपर जाना है। तो अगर इधर बात करें तो ये आती है हमारी एचपी के अंदर, सिंपली पाल जो है उड़ीसा के अंदर आ गया, देन वी हैव भादरा कर्नाटका के अंदर आ गया, कर्नाटका के अंदर आ गया, देन वी हैव पंचमरी एमपी के अंदर आ गया, समझ आ गया। सो आप खुद देख सकते हैं क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए, सी शुड बी द ऑप्शन टू, मतलब कर्नाटका हो गया, थ्री आ गया हमारा उड़ीसा, एंड फिर एमपी एंड दिस। तो इतना आपने दिमाग में रखना है कि ये कौन से एरियाज में लोकेटेड है वो याद रखना है, ज़्यादा
इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या लेंगे इसके अंदर कि भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कर्नाटका के अंदर है, हमें पता है बहुत अच्छे से। स्टैब्लिश कब किया गया था पढ़ लीजिए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये जो है उड़ीसा के अंदर है, सिंपली पाल, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इट इज़ नोन फॉर टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व। पंचमरी मध्य प्रदेश के अंदर है, और शिकारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बेसिकली कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इतना आपने याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का कौन सा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो इसमें सोल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन या एक्सफोलिएशन। अब जिस बच्चे ने सिंपल से एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी, चाहे वो सेवन्थ एट्थ नाइन्थ की भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वो भी इसका आंसर दे सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, सोल्यूशन इज ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस। कार्बोनेशन कार्बन का प्रोसेस है, सोल्यूशन इज पानी का प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो गया वो सब्सटेंस, एक्सफोलिएशन इज एक्चुअली अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल वेदरिंग इसको कंसिडर किया जाता है एक्सफोलिएशन। इसमें क्या रहता है ना कि जैसे अनियन का होता है ना, अनियन के क्लोव्स होते हैं, मतलब अनियन का वो जो लेयर्स होती हैं, वो लेयर टू लेयर जो है रॉक का भी इस तरीके से टूटना शुरू हो जाता है। पहले ऊपर की लेयर टूटेगी, फिर दूसरी नीचे की लेयर टूटेगी, फिर नीचे और उसके नीचे की लेयर टूटेगी। वो होता क्यों है, वो बेसिकली जैसे अनियन को पील करते हैं वैसे ही रॉक का भी पीलिंग होता है जब एक्सफोलिएशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक्सफोलिएशन फिजिकल वेदरिंग के अंदर है। इस तरीके से रॉक का स्ट्रक्चर हो जाता है, और इसमें जो है बहुत सारी प्रोसेसेस जो है वो काम करती हैं, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेपी। स्टेपी आपको पता है टेम्परेचर कॉन्टिनेंटल। क्लाइमेट इज नॉट एक्सपीरियंसड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कौन से प्लेसेस के अंदर स्टेपी का क्लाइमेट जो है एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, नॉट नहीं एक्सपीरियंस किया जाता, कौन सा है। अब देखो स्टेपी बेसिकली ग्रासलैंड्स है, स्टेपी ग्रासलैंड्स, ठीक है। और ये जो ग्रासलैंड है ना, जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आप आंसर भी दे रहे होंगे, सवाना ग्रासलैंड, ठीक है, सवाना हो गया या सूडान टाइप ग्रासलैंड हो गए, ठीक है। तो ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे स्टेपी है, स्टेपी की तरह और भी वर्ल्ड के अंदर अलग अलग ग्रासलैंड्स मिलते हैं जो स्टेपी वाले फीचर रखते हैं। स्टेपी क्या है, यूरोप के अंदर स्टेपी ग्रासलैंड है, वैसे ही हमारे पास और भी ग्रासलैंड इसी फीचर वाले ग्रासलैंड्स हमें मिलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड इनको कहा जाता है। और ये ग्रासलैंड जो है ये कहाँ पे हमें मिलेंगे, ये हमें तीनों जगह में मिलेंगे, बट प्रिटोरिया के अंदर हमें ये ग्रासलैंड नहीं मिलेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। इनका कुछ भी नहीं है, याद कुछ नहीं करना, आपने टेम्परेट ग्रासलैंड पता होने चाहिए, जैसे स्टेपी है, उसके अलावा आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पता होने चाहिए, और मैप के अंदर बहुत अच्छे से हमें पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेपी ग्रासलैंड जो है मेनली एक्सपीरियंस इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, जो वेस्टर्ली विंड बेल्ट टेम्परेट रीजन में मिलते हैं। इतना है कि टेम्परेट ग्रासलैंड इनको कहा जाता है, टेम्परेट रीजन में दिखते हैं ये ग्रासलैंड, याद रखिएगा। और ये जो प्रिटोरिया है, दैट इज एक्चुअली अ साउथ अफ्रीकन रीजन, साउथ अफ्रीकन रीजन में, वहां पे हमें जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो पर्टिकुलरली मिलते हैं, ठीक है। सो ह्यूमिड ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे हमें देखने को मिलता है, ये थोड़े अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ग्रासलैंड होते हैं। तो ये यहाँ पे ये चीजें जो है हमें मिलती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आप याद रखिएगा कि ये ब्रूनो आयरिस कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। ये मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए बता दिया आपको ताकि आपको याद रहे ये सेशन लगा के कि यार ये ब्रूनो आयरिस जो है वो कहाँ पे मिलेगा, अर्जेंटीना में। ये भी हमारे स्टेपी क्लाइमेट वाले ग्रासलैंड है। पर्थ हो गया मेडिटेरियन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के मेडिटेरियन जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहाँ पे आपको पर्थ का जो हिसाब किताब है वो मेडिटेरियन क्लाइमेट वाला मिलेगा, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद कनाडा का ही ये है सास्कैचवान, यहाँ पे आप याद रखिएगा ये प्रायरीज ग्रासलैंड के अंदर भी आते हैं। प्रायरीज ग्रासलैंड जो है, जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड है, उनको याद रखिएगा। मेजर ग्रासलैंड याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखना है कि पुश्ताज हंगरी में, प्रायरीज नॉर्थ अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, बुशवेल्ड नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका। तो ये तो याद रखना है, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि मैच द फॉलोइंग पूछ लिया या फिर आपसे कुछ और पूछ लिया, क्या पूछ लिया, मैच द फॉलोइंग पूछ लिया या फिर आपसे ये पूछ लिया कि ये पर्टिकुलर ग्रासलैंड कहाँ पे मिलता है, या ये ग्रासलैंड जो है किस क्या फीचर्स होते हैं इस ग्रासलैंड के, ऐसा कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग
द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011. तो करेक्ट डिसेंडिंग रेट बताना है, करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है इंडियन स्टेट का, जहां पे सेक्स रेशियो जो है वो 2011 के हिसाब से हमें डिसेंडिंग रेट बताना है, बढ़ते से कम 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 होती जा रही है डिसेंडिंग, जहां पे सेक्स रेशियो कम होती जा रही है, ठीक है, तो वहां से हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है. सो इसमें क्या है, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा आता है मेघालय, सेक्स रेशियो यहाँ पे ज्यादा है, मणिपुर में कम है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मणिपुर में कम है, उसके बाद आ जाता है मिजोरम एंड त्रिपुरा. तो आप याद रखिएगा कि ये हमारे पास डिसेंडिंग सेक्स रेशो के हिसाब से ये स्टेट्स हैं. इतना तो याद होना ही चाहिए कि सेक्स रेशो होती क्या है, कि अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितनी है, अगर कम है तो कम सेक्स रेशो है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा सेक्स रेशो है, ठीक है. और देखें तो एग्जैक्ट फिगर 943 फीमेल्स का है, याद रखेंगे कि 943 का एग्जैक्ट फिगर है, इतना याद रखिए. केरला में सबसे ज़्यादा है और लोएस्ट सेक्स रेशो जो है अगर हम लोग बात करें तो दमन एंड दीव की लोएस्ट सेक्स रेशो है. तो ये सेंसस का एक आधा क्वेश्चन आपने ज़रूर ज़रूर इंश्योर करना है कि मैं पढ़ लूँ अच्छे से. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following greenhouse gases is the largest concentration in the atmosphere? Trust me, ये questions जो होते हैं, ये questions आपके हर exam के लिए important है, defense specific, CFC हो गया, nitrous oxide हो गया, carbon dioxide या methane हो गया. तो आपका answer क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे बात चल रही है ग्रीन हाउस गैसेस की. ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये वो गैसेस होती हैं जो सन की रेज को एंटर तो करने देती हैं अर्थ के ऊपर, सन की रेज एंटर कर रही हैं, यहाँ पे इनकी लेयर है, ग्रीन हाउस गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, बट ये जो सन अर्थ जो है रिफ्लेक्ट बैक करता है उनको ये पकड़ के रख लेती है, उनको ये पकड़ के रख लेती है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है. जो सिंपल कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं मैंने आपको सब बता दिया, इसमें शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट सारा कुछ. देखो सन की जो रेज हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में आ रही हैं, जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में है, ठीक है. और एग्जाम्पल क्या है इस सारे के सारे सिस्टम का, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन. ओजोन जनरली हम लोग छोड़ देते हैं, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड HFC का हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, करेक्ट. सो you just need to understand that these are the greenhouse gases where we have to make sure ki ozone is also a part of it, right? And apart from it, carbon dioxide is the highest concentration among the greenhouse gases, that you have to make sure it, theek hai. Ab next hum log let's see the next question. Next question is, which one of the following is not an agent of metamorphism? Metamorphism jo hai, metamorphic processes hoti hai, metamorphic rock bhi milte hai hame, igneous rocks bhi hote hai, sedimentary rocks bhi hote hai. To ye sare jo rocks hai, ab inka ek process hota hai, jaise sedimentary rocks banane ke liye sedimentation होती है, आपका इग्नीशियस रॉक बनाने के लिए उसका भी एक उसका डिकम्पोजिशन होता है ना. सो वैसे ही अगर बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए भी मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है. अब इस प्रोसेस के अंदर कौन सा एजेंट काम नहीं करता, तो हीट, कंप्रेशन, डिकम्पोजिशन या सॉल्यूशन. तो इसमें अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिकम्पोजिशन इज नॉट एसोसिएटेड. डिकम्पोजिशन होती है सेडिमेंट्री प्रोसेस के साथ, सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ डिकम्पोजिशन होती है, अंडरस्टैंड. तो याद रखिएगा डिकम्पोज हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. ये सारे प्रोसेसेस होते हैं जो एजेंट्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, कंप्रेशन, स्ट्रेस, सॉल्यूशन. याद रखिएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होती है जब देर इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, कंप्रेशन, स्ट्रेस, सॉल्यूशन, तब मेटामॉर्फिज्म होती है. सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में बदल सकता है या इग्नीशियस मेटामॉर्फिक में बदल सकता है. डीकम्पोजिशन इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज हो रहा है रॉक, ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ एसोसिएटेड होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया, कौन से प्लेसेस हैं इंडिया के आपने बताने हैं मुझे, जो इन टर्म्स ऑफ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अबव प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ सनराइज,
टाइम, सनराइज टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो सनराइज टाइम सबसे पहले कहाँ पे उगेगा सूरज, और फिर धीरे धीरे उसी का हमने पैटर्न बताना है। सबसे पहले कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे होगा, उसके बाद जो धीरे 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 अरुणाचल प्रदेश में भी एक एक्सट्रीम जगह है, एक्सट्रीम एरिया है जहाँ पे सबसे पहले जो है सूरज की किरणें आपको पहुँचती हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड डोंग। तो यहाँ पे आपको सामने, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि डोंग एरिया है अरुणाचल का, ठीक है, जो कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है जहाँ पे एक्सपीरियंस करता है फर्स्ट सनराइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो देखो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल, जहाँ पे आपको इतने टाइम पे आपको सनराइज देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, ठीक है। उसके बाद आइजोल आ गया मिजोरम, एंड देन अगरतला आ गया त्रिपुरा। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, इतना याद रखिए। बट अगर बात करें ईटानगर की, तो ईटानगर तो बाद में आता है, पहले इम्फाल, मणिपुर का इम्फाल जगह है, वहाँ पे सनराइज पहले होता है, ईटानगर में बाद में होता है, इतना याद रखिए। लेकिन अगर डोंग एग्जाम्पल होता, वहाँ पे ऑप्शन होता, तो हम लोग डोंग अरुणाचल प्रदेश पहला लगाते, फिर उसके बाद इम्फाल लगाते, फिर ईटानगर, फिर आइजोल, एंड फिर अगरतला। चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अपलैंड ऑफ डेल्टा रीजन। तो अपलैंड ऑफ डेल्टा रीजन कौन सा है? देखिए डेल्टिक रीजन जो होता है, डेल्टा जो है वो रिवर्स बनाती है, इतना याद रखेंगे। और रिवर्स भी कैसे बनाती है, वो अपना सेडिमेंटेशन इकट्ठा कर देती है, डेपोजिशन कर देती है, और उससे डेल्टिक रीजन बन जाता है। अब उसमें बेफ, बी एफ, पी एच ई एच, भील और चार, तो ये तीन चार ऑप्शंस हैं। एक नया क्वेश्चन था आपके लिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझ लेंगे। डेल्टिक रीजन आपको पता चल गया, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं, अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आती हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको वो जब उसकी क्षमता खत्म हो जाती है कि उसको वो आगे लेकर नहीं जाती, तो वो वहाँ पे अपना डेपोजिशन शुरू कर देती है। अब ये डेपोजिशन भी बहुत अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है जो प्योर, जिसमें सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छी मिट्टी होती है जो रिवर लेकर आती है। एक होती है जो बहुत ही कंकड़ पत्थर होती है, ठीक है। एक जगह डेपोजिशन रिवर्स के द्वारा बनी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर भी होते हैं, है ना। तो ये अलग अलग डेपोजिशन जो रिवर्स करती हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आप याद रखिएगा, खादर रीजन, खादर रीजन जो है दैट इज़ अ न्यू एलुवियल रीजन, जहाँ पे रिवर जा रही है और वहाँ पे उसने इकट्ठा कर लिया अपना, बहुत बढ़िया मिट्टी जो है इकट्ठी करके रखी है, वो रीजन जो होता है खादर लैंड होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है जो मार्शी लैंड होता है, तो चर इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कि विच वन ऑफ द अपलैंड ऑफ डेल्टिक रीजन, कहाँ पे डेल्टा रीजन के ऊपर एक अपलैंड रीजन बन जाता है, कौन सा अपलैंड रीजन होता है, चर इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। और याद रखिए मार्शी एरिया जो दलदली वाला एरिया होता है उसे हम भील कहते हैं, ठीक है, भील, बिल या भील जो भी आप कहना चाहते हैं। तो मार्शी एरिया जो दलदली वाला एरिया है, दैट वी कॉल इट एज भील, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, और भी ऐसे प्लेन्स बनते हैं, जैसे भाबर प्लेन हो गया, तराई हो गया, तराई प्लेन को हम लोग मार्शी प्लेन भी कहते हैं, बांगर प्लेन हो गया, खादर हो गया, डेल्टिक प्लेन हो गया, अंडरस्टैंड। तो ये आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को, क्लियर। चलिए सो आज की क्लास तो हमारी इतनी ही है, लेकिन मुझे आई जस्ट वांट योर फीडबैक आल्सो, कि अगर ये क्लास को हम लोग पीवाईक्यू, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर दी सोल, है ना, जैसे कहते हैं ना कि सोल अगर करनी है, सोल को पकड़ लो तो सब एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो सोल होते हैं किसी भी एग्जाम के। अगर हम लोग डिफेंस एग्जाम, और ये कभी भी मत सोचिएगा कि डिफेंस एग्जाम, एसएससी एग्जाम या सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के पीवाईक्यूज सारे सिमिलर होते हैं, नहीं, हमेशा डिफेंस एग्जाम चाहे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, इनमें ना एक पैटर्न देखा जाता है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है, इनका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हमेशा सिमिलर होता है। अगर वो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आप पीवाईक्यू से समझ जाते हो, तो आपको बस इतना इंश्योर करना है कि जीएस जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो आपके एनडीए की भी है, सीडीएस, सीएपीएफ की भी है, वो यही इस सेशन को लगा के आपकी पूरी हो सकती है। तो मेक श्योर अगर आपको ये सेशन रेलेवेंट लगते हैं, हम लोग एक एक घंटे के 45 मिनट्स के भी सेशन लेकर आ सकते हैं विदाउट एनी डाउट। एवरीडे लाइव क्लास होगी सुबह, अगर पॉसिबल है, इफ आई सी अ बेटर रिस्पॉन्स, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो चीज करके लाऊंगा, ताकि जीएस जो है उसके लिए हमें कहीं भागना ना पड़े।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही हम लोग जीएस कंप्लीट करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ताकि मुझे जो है वो क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।